हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ एजे। आज हम देखने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑन जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जो हमारे इंटरप्राइज जावा का नेक्स्ट पार्ट है। सो इन अ इंटरप्राइज जावा दैट इज द इंपॉर्टेंट फीचर्स इन अ जावा दैट इज अ जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। कि क्या होता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, इसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट है, सभी कंपोनेंट और जावा रन टाइम एनवायरनमेंट हम इसके अंदर देखने वाले। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इट इज एन जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन इसका क्या हो सकता है, सिंपल इस जो कीवर्ड है हमारा उसको थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। कि इन द सेंस सिंपल कीवर्ड में देखा जाए तो जावा को रन होने के लिए एक एनवायरनमेंट हम देते हैं, उसको हम जावा रन टाइम एनवायरनमेंट बोलते हैं। ओके, डेफिनेशन वाइज जाए तो डेफिनेशन वाइज हमें पता चलता है द जावा रन टाइम एनवायरनमेंट इज द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन एनी एप्लीकेशन डिप्लॉय ऑन अ जावा। कि जावा के ऊपर हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले, एप्लीकेशन डिप्लॉय करने वाले, उसके लिए एक स्पेसिफिक हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायर होने वाला है। ओके, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलेंगे, हमारा जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ओके, स्लाइड के लास्ट में हम उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल इसके लिए है, मीन्स विच आर डिफरेंट काइंड ऑफ APIs हमारे पास है या सॉफ्टवेयर अवेलेबल है फॉर एन जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। के सेकेंडरी इसके अंदर है कि जो एंड यूजर कॉमनली यूज जावा रन टाइम इन्वायरमेंट इन अ सॉफ्टवेयर पैकेज एंड वेब ब्राउजर प्लगिंग्स। की दो सिनारियों के लिए हम जावा रन टाइम इन्वायरमेंट यूज करते हैं। फर्स्ट इज एन सॉफ्टवेयर पैकेजेस, नंबर्स ऑफ डिफरेंट पैकेजेस होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्ड करने के लिए, तो उस पैकेजेस के लिए हम जावा रन टाइम इन्वायरमेंट यूज करते हैं। एंड सेकेंडरी वेब ब्राउजर प्लगिंग। ओके, प्लगइन्स इन द प्लग एंड प्ले आपने ऑप्शन सुना होगा, जैसे ना अभी माउस कीबोर्ड या जितने भी नंबर्स ऑफ डिवाइसेस है सभी प्लग एंड प्ले, इन द सेंस जिसके अंदर इन बिल्ड जो भी पैकेट होते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं, इन द सेंस प्लग एंड पिन फॉर्मेट में हम जावा रन टाइम एनवायरनमेंट यूज करते हैं। देन नेक्स्ट इसके अंदर है दैट इज एन जावा रन टाइम एनवायरनमेंट कंबाइन ऑफ। क्या क्या इसके अंदर कंबाइन हमने किया है, तो फर्स्ट इज एन जावा वर्चुअल मशीन, सेकेंड इज एन कोर क्लास लाइब्रेरी एंड थर्ड इज एन सपोर्टिंग फाइल। ये डिफरेंट मैकेनिज्म इसके अंदर हमने कवर किया है, जैसे कि डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। फर्स्ट आपका हार्डवेयर, इन द सेंस कोई भी हार्डवेयर आपका हो सकता है, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, सब इन जैसे इंटेल का प्रोसेसर होगा, हार्ड डिस्क एंड रैम हो गया, जो भी हार्डवेयर आपके सिस्टम के अंदर होगा। देन सेकेंडरी इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉर्मल आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है और मैक हो सकता है, दूसरा कोई उबंटू वगैरह कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो सकता है। देन उसके ऊपर हम जावा रन टाइम एनवायरनमेंट यूज करेंगे एंड उस एनवायरनमेंट के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होने हैं, जस्ट लाइक एन जावा API क्लासेस एंड जावा वर्चुअल मशीन, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर होने वाले। तो क्या इसका टास्क है जावा वर्चुअल मशीन और जावा API का, देखते हैं। तो फर्स्ट इज अ जावा वर्चुअल मशीन। ओके, क्योंकि वर्चुअल मशीन कंसेप्ट हर किसी को पता होगा, व्हाट इज एन वर्चुअल मशीन, जिसके थ्रू हम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का या एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का सिमुलेशन इमुलेशन क्रिएट करते हैं। तो सेम मैकेनिज्म हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर एन इमुलेशन पर्पज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्चुअल मशीन इज अ हार्ट ऑफ जावा प्लेटफॉर्म। कि जावा वर्चुअल मशीन एक क्या हार्ट इम्पोर्टेंट कोर टॉपिक है हमारे जावा वर्चुअल मशीन जावा प्लेटफॉर्म का। तो सेकेंडरी द जावा वर्चुअल मशीन इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटर, इट्स इमुलेट। ओके, जैसे कि हमने बोला था इमुलेट द जावा, सॉरी, इट्स इमुलेट द जावा प्रोसेसर ऑन अ CPU ऑफ होस्ट मशीन। ओके, होस्ट मशीन के अंदर हम देख सकते हैं हमारे जो भी वर्चुअल हम इमुलेशन करते हैं। ओके, तीन टाइप्स होते हैं, याद रखो, इमुलेशन, सिमुलेशन एंड वर्चुअलाइजेशन। इन अ सिमुलेशन क्या होता है, जैसे कि हम एज अ हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर की तरह, सॉफ्टवेयर को एज अ हार्डवेयर की तरह ट्रीट करते हैं, इन सिमुलेशन सॉफ्टवेयर को एज अ सॉफ्टवेयर की तरह ट्रीट करते हैं। वर्चुअलाइजेशन जो लार्ज अमाउंट में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसको एज अ उसका एक कॉपी करते हैं या वर्चुअली उसको क्रिएट करते हैं। तो तीन वे इसके अंदर होते हैं। तो इमुलेशन जैसे जो सॉफ्टवेयर होगा उसका, और एक हम क्या करेंगे, वर्चुअल सॉफ्टवेयर इसके अंदर क्रिएट करने वाले। देन नेक्स्ट द जावा वर्चुअल मशीन हाउ द यूज।
किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, या किस तरह से हमें ये यूज होता है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरह से यूजिंग द जावा कंपाइल, कि जावा कंपाइल के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, तो जावा सी, बाय यूजिंग एन जावा सी कमांड द डेवलपर क्रिएट अ सोर्स कोड इज कंपाइल टू अ बाइट कोड इंस्ट्रक्शन, जो यूजर ने क्रिएट किया होता है या जो डेवलपर होता है उसने कोड सोर्स कोड जनरेट किया होता है उसको हम किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ बाइट कोड। सेकेंडरी क्या कहेंगे, उस जो इंटरप्रेटर का जो बाइट कोड होगा, इंटरप्रेट करने के बाद जो बाइट कोड जनरेट हुआ है उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू अ मशीन लैंग्वेज कोड। मशीन लैंग्वेज कोड क्यों, क्योंकि जो हार्डवेयर है उसको अंडरस्टूड होने के लिए हम यहाँ पे जो बाइट कोड को कन्वर्ट करेंगे इन अ मशीन लैंग्वेज कोड। एंड थर्ड स्टेप फाइनली द जावा वर्चुअल मशीन आज तो अंडरलाइंग द ऑपरेटिंग सिस्टम टू एग्जीक्यूट द मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन। जो मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन है, मशीन लेवल कोड हमने कन्वर्ट किया है, तो जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर क्या करेगी, उस मशीन कोड को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगी। देन और क्या यूज है, कि किस तरह से यूज कर सकते हैं, और फर्स्ट इज एन एग्जीक्यूट एज अ जावा एप्लेट। ओके, जावा एप्लेट कहाँ पे यूज होते हैं, वेब ब्राउजर के, वेब ब्राउजर को हम जैसे लाइक नॉर्मल HTML के अंदर हम देख सकते हैं, जो स्टैटिक था उसको डायनेमिक कन्वर्ट करने के लिए हमने जावा एप्लेट्स किए। तो जावा एप्लेट्स का पूरा चैप्टर आपको नेक्स्ट इसमें आने वाला है, सो डोंट वरी, जावा एप्लेट भी क्या है हम डीप में देखने वाले। फिलहाल ये याद रखो, फॉर अ वेब ब्राउजिंग, वेब ब्राउजर को हमें डायनेमिकली वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हम जावा एप्लेट यूज करते हैं। देन नेक्स्ट इज एन एग्जीक्यूट अ सर्वर साइड जावा प्रोग्राम। ओके, क्यों यूज करते हैं, फॉर अ वेब सर्वर, वेब सर्वर को क्रिएट करने के लिए, हैंडल करने के लिए, के इंस्टॉल ऑन बाउंड के लिए हम यहाँ पे सर्वर साइड जावा प्रोग्राम यूज करते हैं। देन थर्ड वे इज अ रन स्टैंड अलोन जावा प्रोग्राम। ओके, थ्री टाइप देखे, जैसे कि ये आपके प्रैक्टिकल या लास्ट ईयर प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हो, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो जावा की, एक सर्वर क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग अ जावा प्रोग्राम, और एक विंडोज एप्लीकेशन जैसे स्पेसिफिक सिस्टम के लिए एक एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ जावा प्लेटफॉर्म। ये थ्री यूज आपको हो सकते हैं बाय यूजिंग जावा वर्चुअल मशीन। देन नेक्स्ट, टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट है इसके अंदर जावा वर्चुअल मशीन कंपोनेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, फर्स्ट इज एन क्लास लोडर एंड सेकेंड इज एन एग्जीक्यूशन इंजन। क्लास लोडर क्या करेगा, लोड द डॉट क्लास फाइल, जैसे लाइक हमने बोला था कि लोड द डॉट क्लास फाइल फ्रॉम परमानेंट स्टोरेज मीडिया, इन द सेंस जो डेवलपर ने प्रोग्राम क्रिएट किया है उसको डॉट क्लास के अंदर कन्वर्ट करने का टास्क हमारा क्लास लोडर करने वाला है। देन सेकेंड इज एन एग्जीक्यूशन इंजिन। एग्जीक्यूशन इंजिन क्या करेगा, कि सेकेंडरी एग्जीक्यूशन इंजिन यूज द अबाउट डेटा स्ट्रक्चर एंड कन्वर्ट इनटू बाइट कोड इंस्ट्रक्शन टू अ मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन। बाइट कोड इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करने के लिए इन अ मशीन लेवल कोड में, इन जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम जो सेंड करने वाले मशीन कोड, उस मशीन कोड के अंदर एग्जीक्यूट कन्वर्ट करने के लिए हम एग्जीक्यूट इंजन यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, सो सिंपली एक डायग्राम, कि फर्स्ट हमारे पास प्रोग्राम कोड फाइल हो गई, सोर्स फाइल हो सकती है और जावा क्लास फाइल हो सकती है, दोनों में से कोई भी फाइल हो, तो क्लास लोडर के पास जाएंगे, देन उसको हम बाइट कोड में कन्वर्ट कर, बाइट कोड का मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। देन एग्जीक्यूशन इंजन क्या करेगा, स्पेसिफिकली वो कोड ऑपरेटिंग सिस्टम को पास ऑन करेगा एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एप्रोप्रिएट उसका हमें आउटपुट यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली है। ओके, देन नेक्स्ट इज एन जावा API। ओके, API इज नथिंग बट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जावा कंटेनर सेवरल प्री डिफाइंड क्लासेज दैट आर ग्रुप इन टू पैकेजेज बेस्ड ऑन दियर फंक्शनैलिटी। अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शनैलिटी हमने एक डिफरेंट नंबर ऑफ पैकेज जनरेट किए, क्रिएट करके रखे, जैसे लाइक एग्जाम्पल के लिए एक लेते java.io.in। java.io ये पैकेज एक एग्जाम्पल देख सकते हैं फॉर जावा इनपुट आउटपुट पर्पज। इसके अंदर क्या है कि जो भी इनपुट आउटपुट के मेथड्स वेरिएबल्स सब यहाँ पे हमने डिक्लेयर करके रखे, तो एट अ रन टाइम हम क्या करेंगे, उस स्पेसिफिक मेथड को या एप्लीकेशन को कॉल करेंगे, तो उसके अंदर वही दिया है हाउ टू यूज अ जावा API पुट टू यूज। ओके, किस तरह से हम जावा API का यूज कर सकते हैं, फर्स्ट जावा प्रोग्राम कॉल द मेथड
अब जावा एपीआई, जावा एपीआई क्या करता है, जावा प्रोग्राम को कॉल करता है, इन द सेंस इनपुट करना होगा तो इनपुट का गेट और पुट जो भी मेथड होगा उसके अकॉर्डिंगली हम उसको कॉल करेंगे। देन सेकेंडली क्या करेगा, द मेथड इज अवेलेबल, देन द क्लास ऑफ द जावा एपीआई कम्युनिकेट विद द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म एंड रिक्वायर एक्शन। ओके, इफ मेथड, हम एक सेकेंड, मेथड इज अवेलेबल इन क्लास ऑफ अ जावा एपीआई कम्युनिकेट विद द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म अ रिक्वायर्ड एक्शन। तो हम क्या करने वाले, अकॉर्डिंग टू योर एक्शन यहाँ पे इन द सेंस एक मेथड कॉल कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपके टास्क होगा वो टास्क यहाँ पे हम फुलफिल करने वाले। ओके, सिंपल एज इट इज, नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ पैकेज, सिंपल ग्रुप ऑफ पैकेज यहाँ पे हम यूज करेंगे एज अ जावा एपीआई। देन इसके अंदर कोई डाउट होगा, क्वेरी होगी, सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इफ़ आपको कोई डाउट होगा, कमेंट होगा, सजेशन होगा, सजेशन भी ऑलवेज वेलकम, सजेशन भी कर सकते हो। इफ़ ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव होगी लगी होगी तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड सिमिलर नेक्स्ट लेक्चर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।